दोस्तों आज 14 अप्रैल है 2022 और अभी हम मौजूद हैं फरीदाबाद के बल्लभगढ़ में और बल्लभगढ़ में सोना मोड़ है यहाँ पर जहाँ से ऑटो जाते हैं। एक ऑटो स्टैंड है गौची नगला के लिए, यहाँ से ऑटो जाते हैं। एक रूट है गौची नगला बल्लभगढ़ का। तो इन लोगों ने यहाँ पे आज स्ट्राइक का रूप दे रखा था ऑटो को और यहाँ पे हमारे जो ऑटो यूनियन के अध्यक्ष हैं आहिरिया साहब जी यहाँ पे मौजूद हैं और अभी बात करेंगे। इनका जो हड़ताल थी आज किस वजह से, मैं बताऊँ आपको, यहाँ पे जो हड़ताल की है सिर्फ रेट को बढ़ाने को लेकर और सीएनजी के दाम कम करने को लेकर। तो अभी बात करते हैं बाबा जी से कि क्या 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 फैसला हुआ है, किस तरीके से अभी रेट बढ़ा दिए गए हैं, क्या होगा आगे? हमारा कम से कम किराया स्टार्टिंग 20 रुपये है। अच्छा, हाँ, अभी आज से ही 20 रुपये है या पहले से ही था? नहीं नहीं, अभी से, क्योंकि कुछ लोग हमसे थोड़े से जुड़े हुए नहीं, अब तो परिवार हमारा जुड़ गया है। पूरे हरियाणा के अंदर स्टार्टिंग जिला फरीदाबाद से हमने 20 रुपये कर दिए, क्योंकि दिल्ली में सीएनजी रेट कम है, गुड़गांव में कम है और फरीदाबाद में तो पता नहीं। 20 रुपये किस जगह के, मतलब कहाँ जाने के आने के 20 रुपये? देखो स्टार्टिंग तो हमारी 20 रुपये, कुछ ऐसी मिनिमम फिर स्टार्टिंग मिनिमम फिर 20 रुपये 20 रुपये। उसमें हमारे ऑटो ड्राइवर ऐसे हैं कि कुछ झाड़ू पोछा वाली है, मैंने स्वयं रिक्वेस्ट करी है, झाड़ू पोछा वाली है, कुछ डेली वेज वाले कम गरीब हमारी नज़रों में सब रहते हैं कौन सा, तो उससे नाम थोड़ा सा अपना भाईचारा भी परिवार मना के जैसे हाथ जोड़ लेता है, बोलो भाई मेरे 15 हैं तो वो चलेगा। अच्छा, हाँ, बाकी यूनियन से हमारा किराया फिक्स है। मेरा ऑटो परिवार किसी को रियायत देना चाहे तो वो दे, उसे पूरी इजाज़त है देने की। आपने देखा बाबा कह रहे हैं कि अगर कोई ज़रूरतमंद है, जो जिसको ज़रूरत है कि किराया कम दूं मैं, जिसके पास पैसा नहीं है उसके लिए छूट दी जाती है। हाँ, उसके लिए नहीं तो मिनिमम किराया जो 20 रुपये कर दिया गया है। लेकिन यहाँ पे ऑटो वालों का दिल भी देखिए कि ऑटो वालों का दिल जो कितना बड़ा है कि जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनके लिए छूट दे दी गई है कि ऑटो रिक्शा वाला जो खुद अपने आप मिनिमम किराया जो उससे वसूल सकता है 10 रुपये 15 रुपये जो दिव्यांगजन है ना फ्री में, उनको हम फ्री में ले जाते हैं। जो वृद्धजन है, विकलांग है, विकलांगजन जो डिसेबिलिटी होते हैं उनसे जो फ्री में भी कह रहे हैं बाबा ले जाते हैं, कोई किराया नहीं। और हारी बीमारी एमरजेंसी मोहल्ले पड़ोस में होती है उसे हम फ्री में ले जाए। हम तो गांव को शहर से जोड़ने का काम करते हैं। लड़कियां आती हैं हमारे ऑटो में बैठ के, वो ये समझती है मैं अपने भाई के ऑटो में जा रही हूँ। आज लड़कियां स्कूल में लाना, घर ले जाना, हमारे ऊपर एक विश्वास ऐसा जाग उठा है गरीब परिवार का, हमें वो गरीब परिवार अपना परिवार मान चुका है। क्यों? आज दो भाग बट चुके हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं, हमारे बीच में हमने एक करने का काम किया है। हिंदू भी ऑटो चला रहा है, मुसलमान भी, ईसाई भी, सरदार भी, हम सारे भाई भाई हैं। कोई रोड पर एक्सीडेंट होता है छोटी मोटी घटना का, हम कोई चार्ज ना लेते थे, ना पहले लेते थे, ना अब लेंगे। अच्छा, और आप कहाँ चलाते ऑटो? 22-23 सोना मोड़ 1 नंबर 22-23 सोना मोड़ के लिए। अभी बाबा कह रहे हैं मिनिमम चार्ज 20 रुपये है, तो क्या आप भी कर दोगे? बिल्कुल। अच्छा, और बाबा की बात, और बाबा ने जो बात कही है, जो जरूरतमंद लोग हैं जिनको जिनको आश्रय देना है, वृद्धा मतलब वृद्ध लोग हैं या डिसेबिलिटी हैं, विकलांग लोग हैं, उनको फिर आप हेल्प करोगे? उनका किराया फ्री, उनके लिए फ्री, ठीक है। ये भी ऑटो, पहले भी फ्री था और अब भी फ्री है। ये भी ऑटो चलाते हैं, ये भी कह रहे हैं कि किराया जो फ्री, ऑटो वालों ने खुश कर दिया आज जो है, ऑटो वालों ने आज खुश कर दिया है कि विकलांग हो, वृद्धाजन हो, उनके लिए ऑटो जो है सेवा फ्री है। और इधर है हाँ जी, जो हमारा चाचा चौक है, ये गौची नंगला शुरूपुर तक हुआ है। चाचा चौक वाले भी सुनेंगे भाई, ये गौची नंगला का बढ़ाया गया तो उसमें ही चाचा, बाबा ने कहा है पूरे फरीदाबाद के लिए, पूरे फरीदाबाद का क्या है, चाचा चौक वाला रोड भी है जो चाचा चौक के भी 20 रुपये है। अच्छा, मिनिमम 20 रुपये। अच्छा, ठीक है ठीक है। और आप प्रधान हो जाके तो आप क्या कहना चाहोगे बाबा की बात पे, एग्री हो आप? बिल्कुल, जो आहिरिया साहब कह रहे हैं सही कह रहे हैं, सीएनजी बढ़ती जा रही है और अब आगे भी बढ़ेगी, और किराया जो बढ़ेगा वो एक बार ही बढ़ेगा, दोबारा किराया नहीं बढ़ता, क्योंकि पिछले 10 सालों से किराया मिनिमम 10 रुपये ही चल रहा है। किराया नहीं बढ़ाया, कोई किराया नहीं बढ़ाया 10 साल का, सीएनजी 10 साल के अंदर बहुत बढ़ी है। बाबा ने ये भी कहा है याद रखना कि जो विकलांग लोग हैं और जो जो विकलांग लोग हैं सीनियर सिटीजन, यहाँ आप पहले भी जाकर पता कर सकते हो, अब भी पता कर सकते हो, पहले से ही उनके लिए फ्री सेवा है यहाँ से। अगर हम खुद खड़े होते हैं तो हम जब भी फ्री में बैठवाते हैं उनको, और बहुत ऑटो वाले भी ऐसे हमारे यहाँ जो विकलांग और वृद्धों के लिए फ्री करते हैं। तो आज सीएनजी क्या रेट चल रही है?
84 रुपया। 84 रुपए है आपका किराया। मिनिमम 10 रुपए था पहले, 20 रुपए कर दिया गया। हाँ जी 20 रुपए कर दिया। पहले कितना रेट चलती थी? पहले 52 रुपए थी। 49 रुपए लीटर। इन 4 महीनों में तो कम से कम इससे पहले तो सीएनजी डबल प्राइस में पहुंच गया। डबल पहुंच चुकी है ना, तो डबल प्राइस सीएनजी पहुंच गया तो किराया भी डबल होना चाहिए। डबल होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। इसी को देखते हैं, बाबा ने कह दिया होगा डबल किराया लगेगा। मिनिमम चार्ज 20 रुपए, पहले 10 रुपए होते थे फरीदाबाद के, अब 20 रुपए कर दिए गए। अब आपको कोई ऑटो जितने भी रिक्शा वाले ऑटो वाले खड़े हो भाई, किसी को कोई शिकायत नहीं? सर कोई शिकायत नहीं है बाबा, नहीं शिकायत नहीं, कोई शिकायत नहीं। 20 रुपए हमें चाहिए। किसी विकलांग के लिए बोला बाबा ने? हाँ पूरी फ्री है अभी। विकलांगों के लिए जो बोल दिया विकलांग मीडिया वाले, मीडिया वाले देखो, मीडिया वाले जो कहना मैं मीडिया से हूँ, उन्हें वो सम्मान दो कि हमें बचाने में मीडिया वाले की 90% भूमिका है। ठीक है ना, गरीब को बचाने में, ठीक है ना। तो मीडिया वाले से कोई चार्ज किराए का नहीं लेना है, ठीक है भैया। सम्मान के साथ बिठाना है और सम्मान से ही उनको उतारना है। जय हिंद करके उनको नमस्कार भी करना है, जिससे मीडिया वाले कहें कि भाई ये भी, हाँ वो उन्हें गर्व से कहे कि हाँ ये हिंदुस्तानी है। जैसे फौजी सलूट मारता है ऐसे मीडिया वाले को। बाबा ने एक बहुत बड़ी बात कह दी यहाँ पे कि साथ ही साथ वृद्धाजन और विकलांग लोगों के साथ साथ मीडिया वालों को भी फ्री देना है, क्योंकि मीडिया वाले भी साथ देते हैं ऑटो वालों का, है ऑटो वालों का नहीं, सबका साथ देते हैं। अब यूक्रेन में युद्ध चल रहा है तो हमारी हिंदुस्तान की मीडिया भी मौजूद है, जो गोलाबारी में और चोट आ गई है, चोट भी आई है, मौजूद है, हटने ही रहे हो पीछे। दोस्तों वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहना। आज तक जो वीडियो आप लोगों ने शेयर करी है उससे कई गुना ज्यादा इस वीडियो को शेयर करो, क्योंकि ऑटो वालों का जो दिल है उसे देखो आप, क्योंकि इन्होंने कितना बोझ जो उठा लिया इस टाइम पे। कहीं एक्सीडेंट होता है, कहीं विकलांग होता है, कोई वृद्धजन होता है, उसके लिए फ्री सेवा, साथ ही साथ मीडिया के लिए फ्री सेवा। तो इन सब के लिए एक बार जय हिंद जय भारत। जय हिंद।